नारी शक्ति के हक और सम्मान में महिला कांग्रेस द्वारा आरएसएस के गढ़ नागपुर में नारी न्याय आंदोलन किया गया। महिला कांग्रेस नारी न्याय आंदोलन के जरिए पूरे देश में नारी शक्ति के हक की आवाज बुलंद कर रही है। इस आंदोलन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, राष्ट्रीय कांग्रेस महिला अध्यक्ष अलका लांबा, महिला प्रदेशाध्यक्ष संध्या सवालाखे, सांसद प्रतिभा धानोरकर, विधायक अभिजीत वंजारी, विधायक विकास ठाकरे, पूर्व विधायक राजेंद्र मुलक, जिला परिषद अध्यक्ष मुक्ता कोकड्डे, जिला परिषद उपाध्यक्ष कुंदा राउत, न्यायशली समेत कांग्रेस के सभी नेता, पदाधिकारी एवं महिला कार्यकर्ता एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। देश में बढ़ते महिला अत्याचार के विरोध में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की ओर से नागपुर के संविधान चौक पर भव्य आंदोलन किया गया, जिसमें पूरे महाराष्ट्र से कांग्रेस महिला कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस आंदोलन का उद्देश्य यही है कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाए, साथ ही महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए। बदलापुर की घटना हो या फिर कोलकाता की घटनाओं में दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। नारियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, हम नारी न्याय आंदोलन लेकर के आए हैं कि नारियों के साथ में न्याय होना चाहिए। जिस तरीके से बंगाल से लेकर गुजरात तक, गुजरात से लेकर उड़ीसा तक, उड़ीसा से लेकर के यूपी तक और यूपी से लेकर के महाराष्ट्र तक, जिस तरीके से छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, बलात्कार मिनट और घंटों के हिसाब से होने लगा है, तो आज देश की महिलाएं सबसे ज़्यादा तकलीफ में हैं। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला कांग्रेस की आदरणीय अलका लांबा जी ने ये बीड़ा उठाया है कि नारियों को न्याय हम दिला कर रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें कितनी भी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़े। देखिए, रेड कलर जो होता है ये क्रांति का प्रतीक होता है और ये एक क्रांति के लिए ही हम ये एक जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार ने जिस तरीके से ये कहा है कि यहाँ पे अगर बीजेपी की सरकार आती है तो वो एक एक महिला को 1500 रुपये देगी, तो आप मुझे बताइए किस प्रकार से आप महिलाओं की इज्जत की आप दाम लगा रहे हो, आप बोलियां लगा रहे हो, यानी आपका स्तर इतना गिर गया है। मतलब ये मनुष्य मूर्ति मानने वाले लोग हैं, क्योंकि उनकी बुक्स में लिखा है महिलाएं केवल एक इस्तेमाल की वस्तु है, इसीलिए ये विचारधारा है। गली से लेकर के दिल्ली तक भाजपाइयों के उनके सारे नेता महिलाओं के साथ शोषण और बलात्कार कर रहे हैं, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? हम आज उसके खिलाफ है, ईंट से ईंट बजा देंगे। देखिए, हमारा आंदोलन 29 जुलाई भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ और हमने तय किया कि ये एक क्रांति है और लाल शक्ति का प्रतीक है। सो देश भर में अब महिलाएं आंदोलन के लिए निकलेंगी तो वो लाल वस्त्र में निकलेंगी। सबसे बड़ी बात है कि हम सबके खून का रंग, हमारा धर्म सबका अलग हो सकता है, जाति, आस्था, विश्वास, लेकिन हम सबका रगों में एक ही रंग का खून बह रहा है, जो अब अंदर भी और बाहर भी, अगर इस देश की आधी आबादी को सुरक्षा देने के लिए बहाना होगा तो हम बहाएंगे, लेकिन ये लाल हमें ताकत देता है, ये शक्ति का प्रतीक है। पूरे देश में अब लाल वस्त्रों में आंदोलन हो रहे हैं। बदलापुर से लेकर कोलकाता तक जो घटनाएं हुई है इसका विरोध करते हुए और जो महिला अत्याचार हो रहे हैं उस पर रोक लगाने के लिए एवं महिलाओं की सुरक्षा, इन अहम मुद्दों को लेकर आज नारी न्याय आंदोलन किया जा रहा है। इस आंदोलन में खास बात यह रही कि सभी महिलाएं लाल कलर के वस्त्र परिधान कराए थे, क्योंकि लाल कलर शक्ति का प्रतीक होता है, इसीलिए आज लाल कलर का ड्रेस कोड होने की बात भी जिला परिषद उपाध्यक्ष कुंदा राउत द्वारा कही गई। पूरे देश में जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसके विरोध में, उसका निषेध करते हुए आज जो है कांग्रेस की ओर से भव्य आंदोलन किया जा रहा है नागपुर में। हमारे साथ कुंदा राउत जी है जो कि जिला परिषद उपाध्यक्ष है, उनसे हम जानेंगे कि महिलाओं के अत्याचार को लेकर आज बहुत बड़ा यहाँ पर जो है एक आंदोलन छेड़ा गया है, पूरे राज्य से यहाँ पर महिलाएँ उपस्थित है बड़ी संख्या में, क्या बताओगे आज के? पिछले कुछ सालों से जब से मोदी जी इस देश में प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से महिलाओं पर दिन ब दिन अत्याचार और अन्याय बढ़ता जा रहा है। आपने देखा होगा बदलापुर में दो छोटी छोटी हमारी बच्चियां हैं, उन पर अन्याय अत्याचार हुआ, उसकी मम्मी पुलिस स्टेशन में गई रिपोर्ट लिखाने, लेकिन पुलिस उनकी रिपोर्ट नहीं लिखा रहे थे, ना दर्ज कर रहे थे, और दिन ब दिन महाराष्ट्र में बहुत सारे उसके बाद बहुत सारी केसेस हुई है। हमारे एक ही मांग है महिला कांग्रेस की कि महिला की सुरक्षा क्या है, इस पे मोदी जी बोले, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा कानून महाराष्ट्र में किया है वो महाराष्ट्र की सरकार शिंदे साहब और फडणवीस साहब बोले कि बताएं कि उन्होंने क्या किया है।
उन्होंने कुछ किया नहीं, इसीलिए महाराष्ट्र प्रदेश महिला कांग्रेस के तरफ से यहाँ पे नारी शक्ति आंदोलन आयोजित किया हुआ है और हमारी महाराष्ट्र की कार्यकर्ता संगठन की कार्यकर्ता नारी न्याय के लिए इस जमीन पे उतरी है और हम लोग जब तक हमारी बहनों को न्याय मिलेगा नहीं, कानून बनेगा नहीं, तब तक हम स्वस्थ बैठेंगे नहीं। इस आंदोलन के लिए हमारी राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका जी लांबा आई हुई है। आज उनकी प्रेस भी हुई है, एक समिति गठन होने वाली है महिलाओं को लेकर, महिलाओं के अत्याचार जो हो रहे हैं उसके उस पर रोक लगाने के लिए, और उसका काम जो है महाराष्ट्र से होने वाला है, वो किस तरह से कार्य होगा उस समिति का? उसमें एक कमेटी गठित की जाएगी, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी ने जो बोला है, हमारी संध्या दाई संवाला के महाराष्ट्र प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष उनके अध्यक्षता में, और हमारा एक ही टारगेट रहेगा कि हमारी महिलाओं को सुरक्षित सुरक्षित रहे और सुरक्षा मिलना चाहिए, यही हमारी महिला कांग्रेस की जो सिपाही है उनका एक ही कार्य, तब तक हम स्वस्थ नहीं बैठेंगे। आज हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति द्वारा कल एक मैसेज छोड़ा गया है, उन्होंने उनमें कहा है कि मुझे डर लग रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? किस चीज का डर लग रहा है? उनको जो डर लग रहा है उनकी, उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बताना चाहिए राज्यपाल ने कि ये महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, छोटी छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं है, जो शक्ति कायदा महाविकास आघाड़ी ने लाया था वो ढक के रखा है, तो उनको उस वजह से डर लग रहा होगा, तो उन्होंने उसका उत्तर अपने लोगों को पूछना चाहिए। आज जो नारी न्याय आंदोलन हो रहा है उसमें सब जो नारियां है, महिला शक्ति है, पूरे लाल कपड़ों में दिखाई दे रही है, इसके पीछे का क्या मकसद है? लाल शक्ति का एक प्रतीक है, डेंजर प्रतीक है, हमारी महिला चाहे तो दुर्गा बन सकती है, हमारी महिला चाहे तो चंडिका बन सकती है, काली बन सकती है, सरस्वती बन सकती है, और वो अपना रक्षण कैसे कर सकती है, ये प्रतीक हम यहाँ पे लाल ड्रेस पहन के हमारे महाराष्ट्र शासन और केंद्र शासन का लक्ष्य केंद्र करने के लिए कि महिला सुरक्षा कानून बनाइए और महिला की सुरक्षा क्या है वो पहले बताइए, नहीं तो हम आपको स्वस्थ बैठने नहीं देंगे, इसलिए हमने वो रेड ड्रेस कोड पहन किया है। तो हमने देखा कि आज जो है महिलाओं के अत्याचार को लेकर आज कांग्रेस महिला जो है उनकी ओर से आंदोलन छेड़ा गया है, नारी न्याय आंदोलन के तौर पर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष इस आंदोलन में शामिल है, इनकी महिला अध्यक्ष जो है अलका लांबा, और नारी सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कानून बनाने की मांग भी इस आंदोलन के दौरान की जा रही है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।